नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के चुनाव कल होने हैं। वहीं अलीगढ़ जनपद में चुनाव दूसरे चरण में होंगे, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियों को धनी मंडी से अपने अपने ड्यूटी स्थल पर रवाना किया गया है। आपको बता दें कि जनपद अलीगढ़ में कुल 18 नगर निकाय हैं, जिसमें एक नगर निगम, 2 नगर पालिका, 15 नगर पंचायत है। वहीं कल होने वाले द्वितीय चरण के मतदान को लेकर आज DM व SSP की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट सुबह पुलिस बल तैनात की जाएगी और उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी वोट या फिर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का प्रयास करता है तो उसकी खैर नहीं और उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अवश्य की जाएगी। इसलिए अगर ऐसा करने का कोई प्रयास करेगा तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दें। आज पोलिंग पार्टियां निकल रही हैं सर, क्या पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई जिससे लोग भयमुक्त हो के चुनाव में कहेंगे मतदान का प्रयोग करें? देखिए, अलीगढ़ नगर निगम में और जितनी हमारी नगर पंचायतें और नगर पालिकाएँ हैं सभी में कई राउंड सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, SDMs के द्वारा और हमारे और SSP साहब के द्वारा विजिट कर लिया गया है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस रहे, शांतिपूर्वक निर्वाचन में लोग प्रतिभाग कर सकें, इसलिए जन समुदाय से भी बात की गई है और कई बार कई चैनल्स के माध्यम से उनसे इस बात की अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर लोग अपना वोट डालें। वोट डालने के लिए जो 15 प्रकार के पहचान पत्र हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई है। आज पोलिंग पार्टीज़ के रवानगी का दिन है और लगभग 60% पोलिंग पार्टीज अपना सामान ले चुकी हैं और रवाना हो चुकी हैं। बहुत थोड़ी दूरी उनको ट्रेवल करना है तो आज दोपहर दो बजे तक वो सभी पोलिंग पार्टीज अपने मतदेय स्थलों पर पहुँच जाएंगी। पोलिंग बूथ की बनाने का काम भी पूर्ण कर लिया गया है। कल प्रातःकाल शांतिपूर्वक और निर्विघ्न निर्वाचन संबंधी जितनी तैयारियां हैं वो सब पूर्ण कर ली गई हैं और मैं आशा करता हूं कि अच्छे से निर्वाचन संपन्न होगा। इस आशय की भी कुछ संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जहां पर कंजेस्टेड एरिया है या जहां पर मतदाता अधिक हैं वहां हमने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट इत्यादि की भी तैनाती की है ताकि पहचान पत्र इत्यादि की चेकिंग की जा सके। मैं मतदाताओं से ये भी अपील करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि वो अपने पहचान पत्र लेकर जरूर आएँ, पहचान पत्र के माध्यम से ही वोट डाला जाएगा। अगर किसी कोई मतदाता पर्ची लेकर केवल आया तो मतदाता पर्ची के आधार पर वो वोट डालने का पात्र नहीं है। मतदाता पर्ची केवल इस बात के लिए वितरित की गई है ताकि मतदाता को ये पता लग जाए कि उसे किस बूथ में जाना है और उसका मतदाता सूची में क्रमांक क्या है, लेकिन मतदाता सूची के आधार पर मतदान नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमारे पास कोई ना कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र अवश्य हो। अगर कोई व्यक्ति फर्जी पहचान पत्र के आधार पर मतदान करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध गिरफ्तारी सहित सभी कठोर दंडात्मक कार्रवाइयां भी की जाएंगी। मतदान केंद्र को लूटने वाले या करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई के आदेश देंगे? इसके तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई मतदान केंद्र में किसी प्रकार की भी विधि व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं सभी हमारे मजिस्ट्रेट्स गण को और पुलिस ऑफिसर्स को कि उनको विद हैवी हैंड्स उनसे बहुत सख्ती से निपटना है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की र्यूमर्स उगाने की कोशिश करता है या कोई किसी भी रूप में विधि व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अगर ऐसा कोई सोच भी रहा हो तो अपने मन से इन बातों को निकाल दे। किसी भी कीमत पे किसी को भी कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए? यहाँ धनीपुर मंडी से आज जो कल निकाय चुनाव होना है उसके लिए समस्त जनपद की समस्त पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं। लगभग 200 से अधिक बसेस यहाँ पे लगी हैं और इसमें ये अपना जो EVM है, बैलेट बॉक्स हैं और सामग्री है उसके साथ पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। यहीं से इनको पुलिसकर्मी इनके साथ रहेंगे सशस्त्र, एक सुरक्षित वातावरण इनको दिया जाएगा और आज ये अपने केंद्रों पर यहाँ से पहुँच जाएंगी। यहाँ पर हम लोगों के अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगी हैं ताकि यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से, और ट्रैफिक की ड्यूटी भी लगी है कि बिना किसी ट्रैफिक जाम आदि के सकुशल यहाँ से ये हमारी पार्टियाँ रवाना हो जाएं और अपने अपने गंतव्य तक समय से पहुँच जाएँ। कल भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग करें, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था कीजिए? तमाम लोग धमकाते हैं, रोकते हैं, वोट डालने से रोकते हैं, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? चुनाव में जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, माननीय निर्वाचन आयोग के जितने निर्देश हैं उसका पालन कराया जा रहा है। एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम लोग करते हैं कि कौन से बूथ सेंसिटिव हैं, सामान्य हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, उस हिसाब से प्री पोल वहाँ पर जो है निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कल जैसे पोल डे है तो पोल डे के लिए हम लोगों की सेक्टर पुलिस मोबाइल, जोनल पुलिस मोबाइल, इसके अतिरिक्त हमने क्लस्टर मोबाइल भी दिए हैं। हर थाने पर QRT हमारी हैं
थाने पर हम लोग का रिजर्व फोर्स अलग से है, लाइंस में रिजर्व फोर्स है, LIU को सक्रिय कर दिया गया है, विभिन्न बैरियर्स पर पिकेट्स पर भी ड्यूटी लगी हुई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए रहती हैं कि भयमुक्त होकर के लोग अपना वोट डाल सकें। इसके अलावा लोग कोई भी सूचना जो पुलिस को देते हैं उसको तत्काल हम 112 पर भी यदि दे देते हैं तो उसको तत्काल अटेंड हम लोग करेंगे। इस तरह से एक पूरा वातावरण बनाया गया है जिससे लोग भयमुक्त होकर के मतदान कर सकें। धन्यवाद कप्तान साहब। जैसे मतलब सेंसिटिव इलाका है और पतली गलियां जाके मतदान के पतली गलियों में, उसके लिए क्या रूफ टॉप की व्यवस्था है या कुछ इस तरह की जिससे कि लोग छतों से, जहां पर भी इस तरह का है कि कोई पतली गली है या इस तरह का है, वहां पे जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका प्रोफाइलिंग किया जाता है कि वहाँ कोई अराजक तत्व तो नहीं आ गया है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, वहाँ पर जो ट्रैफिक है, ठेले आदि या इस तरह का कोई भी बाधित करने वाला जो ट्रैफिक है उसको वहाँ पर ठीक कराया जाता है ताकि हम लोग की जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो गंतव्य तक वहाँ पर आस पास पहुँच सकें, पुलिस की और सरकारी गाड़ियाँ। पब्लिक की तो वैसे भी 100 मीटर के अंदर कोई वाहन आने नहीं दिया जाता है और बस्ते लगभग 200 मीटर दूर लगते हैं, तो इसलिए इस पर भी पूरी हम लोगों की नज़र है। और हमारे क्लस्टर मोबाइल जो हैं, जो हमने अतिरिक्त मेजर्स एक दिए हैं सुरक्षा के लिए, उसको भी बताया गया है कि इस तरह की जो गलियां हैं इसमें आसपास रहें और सुरक्षा व्यवस्था दें। धन्यवाद। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।